हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्नेहा। आज हम इस सूट को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में जो सलवार स्टिच की थी उसके ऊपर कुर्ती स्टिच करेंगे इस वीडियो में। और ये कुर्ती डबल है, मतलब एक इनर कुर्ती है और एक एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक की कुर्ती है। और ये दोनों ही कुर्ती इसी वीडियो में स्टिच करना सीखेंगे। और इस सूट में मैंने कुछ पिक्स भी ली है, वो आप आगे वीडियो में देखिए। और इसकी जो कुर्ती में इनर वाली कुर्ती है सिर्फ उसके साथ भी मैंने पिक ली है, देखिए। एंड गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये सूट कैसा लगा। और इन दोनों ही कुर्ती के मेजरमेंट्स स्क्रीन पे है। कुर्ती के लिए मैंने 2 मीटर एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक यूज़ किया है और 1 मीटर प्लेन कॉटन फैब्रिक। एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक को डबल लेयर में ले लेंगे। ये लेंथ वाइज 35 इंच है, 32 इंच रेडी रहेगी कुर्ती की लेंथ। और ये विड्थ वाइज 24 इंच है। और ये मैंने किस तरह से लिया है ये स्क्रीन पे मेंशन है। अब इसे फोल्ड कर लेंगे। हमें इस तरह से 4 लेयर्स मिल जाएंगी। यहाँ शोल्डर के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये 7.5 इंच पे लाइन मार्क कर लेंगे। फिर इस लाइन पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल डेप्थ के लिए। और चेस्ट का 1/4 करेंगे तो वो 9 इंच आएगा। अब यहाँ 9 इंच पे मार्क करना है। अब इस पॉइंट से आर्म होल का जो राउंड मार्क करना है वो मार्क कर लेंगे। 9 इंच वाले पॉइंट से 2 इंच पे मार्क करेंगे 1.5 इंच मार्जिन का और 0.5 इंच लूज। फिर शोल्डर से 15 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे जो कि वेस्ट लाइन होगी। और अब यहाँ से 13.5 इंच पे मार्क करेंगे जो कि लोअर वेस्ट होगी। अब वेस्ट लाइन पे 10 इंच पे मार्क करेंगे। और ये मैंने किस तरह से लिया है ये स्क्रीन पे मेंशन है। अब इन पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे और मार्किंग पे कट कर देंगे। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब एक लेयर को हटा देंगे और एक लेयर को ले लेंगे। ये एक लेयर ले ली है मैंने। अब नेक लाइन पे मार्क करेंगे, 3.75 इंच पे मार्क करेंगे विड्थ वाइज, और डेप्थ वाइज भी 3.75 इंच पे मार्क करेंगे। नेक लाइन हम शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि लाइनिंग की नेक लाइन हम थोड़ी डीप रखेंगे, जो इनर वाली कुर्ती होगी उसकी डीप रखेंगे। 0.75 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। और अब मार्किंग पे कट कर देंगे। ये बैक पार्ट कुर्ती का कट हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट के लिए दूसरी वाली लेयर को ले लेंगे और आर्म होल पे 0.5 इंच का एक्स्ट्रा राउंड मार्क कर देंगे। अब नेकलाइन मार्क करेंगे। नेकलाइन की विड्थ 3.75 इंच और नेकलाइन की डेप्थ 3.75 इंच। 0.75 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे और फिर मार्किंग पे कट कर देंगे। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है और फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अब बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख देंगे और फिर शोल्डर्स को स्टिच कर देंगे। ये शोल्डर्स पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब नेक लाइन के लिए एक स्ट्रिप कट करनी है जिसकी विड्थ है 1 इंच और इसे डायगोनली कट करना है। फिर इसे मिड में से फोल्ड करके और नेक लाइन पे स्टिच कर देंगे। इस तरह ऑल ओवर द नेक लाइन स्टिच कर देंगे। ये देखिए स्ट्रिप नेक लाइन पे स्टिच हो रही है।
स्टार्टिंग में स्ट्रिप को पहले फोल्ड करके और फिर स्टिच करना है, और फिर एंड में देखिए इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये कंप्लीट नेक लाइन पे स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है। अब इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके और फिर उस पर स्टिचिंग कर देनी है। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके और कंप्लीट स्ट्रिप को स्टिच कर देंगे। नेक लाइन पे स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है, देखिए। अब इस पे आयरन कर लेंगे ताकि ये स्ट्रिप अच्छे से सेट हो जाए। ये मैंने आयरन कर लिया है। अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है लेंथ वाइज 18 इंच और विड्थ वाइज भी 18 इंच, और ये डबल लेयर में है। फिर इसे फोल्ड कर लेंगे, हमें 4 लेयर्स मिल जाएंगी। अब इस साइड हमें 4 इंच पे मार्क करना है, और फिर इस साइड भी 4 इंच पे मार्क करेंगे, और फिर स्लीव्स का कर्व मार्क कर लेंगे, और अब मार्किंग पे कट कर देंगे। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। और अब यहां 1 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे, और फिर 2 लेयर्स को मार्किंग पे कट कर देंगे। ये कटिंग फ्रंट साइड के लिए है। और स्लीव्स की बॉटम पे 0.5 इंच का स्लोप कट कर देंगे। अब स्लीव्स की बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर देना है। ऐसे फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे दोनों स्लीव्स को। स्लीव्स की बॉटम फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है, देखिए। अब स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। स्लीव्स के मिड पॉइंट को और शोल्डर वाले स्टिचिंग पॉइंट को अटैच करते हुए स्लीव्स को स्टिच कर देना है। दोनों साइड स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। फिर इसी तरह से दूसरे स्लीव्स को भी स्टिच कर लेंगे। और ये दोनों स्लीव्स स्टिच हो चुकी है। अब कुर्ती की साइड्स को स्टिच कर देंगे। यहाँ आर्म होल वाले पॉइंट से 13.5 इंच पे मार्क करना है लोअर वेस्ट के लिए, और फिर 1.5 इंच जो हमने मार्जिन के लिए लिया था वहाँ मार्क कर लेंगे। लोअर वेस्ट पे 2 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हमने 2 इंच की मार्जिन ली थी, और बाकी सब जगह 1.5 इंच की मार्जिन ली थी। अब मार्किंग पे स्टिच कर देंगे, और इसी तरह से दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। 13.5 इंच पे मार्क करेंगे लोअर वेस्ट के लिए, और फिर मार्जिन मार्क कर लेंगे इनकी। ये मार्जिन पे मार्किंग हो रही है, और फिर मार्किंग पे स्टिचिंग कर लेंगे। मैंने कुर्ती थोड़ी लूज ही रखी है क्योंकि इनर में भी आएगी एक कुर्ती, इसलिए। और ये कुर्ती की साइड स्टिच हो चुकी है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ये 13.5 इंच पे लोअर वेस्ट है, यहां तक ही स्टिच करना है। और फिर जो ओपन साइड्स है कुर्ती की उन्हें फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ और स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी फोल्ड करके स्टिच कर देंगे, और फिर कुर्ती की बॉटम को भी फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। मेजर करके हमें जितनी भी लेंथ चाहिए कुर्ती की उसके अकॉर्डिंग, मैं 32 इंच रख रही हूँ तो 32 इंच तक फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी। और ये स्टिचिंग हो चुकी है, और कुर्ती भी रेडी है अब।
अब इस पे आयरन कर लेंगे कुर्ती पे हम, ताकि इस पे फिनिशिंग आ जाए। ये कुर्ती तो बनके रेडी हो गई है। अब इनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। इनर कुर्ती के लिए फैब्रिक ले लिया है, ये लेंथ वाइज 28 इंच है, 27 रेडी और 1 इंच स्टिचिंग के लिए, और ये विड्थ वाइज 22 इंच है, और ये मैंने किस तरह से लिया है स्क्रीन पे मेंशन है। और ये फैब्रिक डबल लेयर में है, इसे फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ शोल्डर के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे एक लाइन, और इस लाइन पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल डेप्थ के लिए, फिर यहाँ 1/4 ऑफ चेस्ट साइज पे मार्क कर देंगे जो कि 9 इंच है, फिर 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे और फिर आर्म होल का राउंड मार्क कर लेंगे इस चेस्ट वाले पॉइंट से। यहाँ से 13 इंच पे मार्क करेंगे लोअर वेस्ट के लिए, और लोअर वेस्ट में 9.5 इंच रख रही हूँ रेडी, और बाकी की मार्जिन 1.5 इंच। अब शोल्डर से 14 इंच पे मार्क करेंगे वेस्ट लाइन, और वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे 9.5 इंच पे, और ये मैंने किस तरह से लिया है ये स्क्रीन पे मेंशन है। अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब नेकलाइन मार्क करते हैं। नेकलाइन की विड्थ है 4.5 इंच और नेकलाइन की डेप्थ है 5 इंच, और इस तरह से नेकलाइन मार्क कर लेंगे। 0.75 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे, और अब मार्किंग पे कट कर लेना है। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है, और अब वन लेयर को रिमूव कर देंगे। वन लेयर पे फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल को एक्स्ट्रा कट कर देंगे 1 इंच, ये फ्रंट पार्ट है, ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेंगे और शोल्डर्स को स्टिच कर देंगे। ये शोल्डर स्टिच हो चुके हैं, देखिए। नेक लाइन के लिए एक स्ट्रिप कट करनी है डायगोनली 1 इंच विड्थ की, और उसे नेक लाइन पे स्टिच कर देंगे ऑल ओवर द नेक लाइन। ये नेक लाइन पे स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है, देखिए। अब इसे टर्न करके और इस पे स्टिचिंग कर देंगे, फिर स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके और फिर स्टिच कर देंगे। ये नेक लाइन पे स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है, और अब इसी तरह से हमें आर्म होल पे भी स्टिच कर लेनी है स्ट्रिप को। नेक लाइन की तरह आर्म होल भी रेडी हो चुके हैं, देखिए। अब कुर्ती की साइड्स को स्टिच कर देंगे। यहाँ लोअर वेस्ट के लिए मार्क करेंगे 13 इंच पे, और फिर यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्क कर लेंगे, और फिर मार्किंग पे स्टिच कर देंगे, और इसी तरह से दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे और फिर मार्किंग पे स्टिच कर देंगे। ये मार्किंग पे स्टिचिंग हो चुकी है, कुर्ती की साइड स्टिच हो चुकी है। अब ये जो ओपन साइड्स हैं इन्हें फोल्ड करके स्टिच कर देंगे, इस साइड भी फोल्ड करके स्टिच कर देंगे, और फिर कुर्ती की बॉटम को छोटा छोटा फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग के बाद में फाइनल लुक ऑफ सूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइज़।